Hello friends, welcome to Study Go with Zina Siddhi. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पर क्लिक करके मुझे इजीली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आईपीसी के बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको वो सारी वीडियो चाहिए तो मैंने अलग से आईपीसी की प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहाँ पर क्लिक करके आईपीसी की सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। सेक्शन 92 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई एक्ट गुड फेथ में किया जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसके कंसेंट नहीं ली गई है, तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। ये सेक्शन 92 कहता है, यानी कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म। मतलब कि अगर किसी ऑफेंस से कोई हार्म कॉज हो रहा है विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ, यानी कि जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो किया जा रहा है, उसको अगर थोड़ा बहुत हार्म पहुंच रहा है लेकिन उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में वो एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है इवन विदाउट द पर्सन्स कंसेंट, हालांकि पर्सन की कंसेंट नहीं ली गई है, इफ द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे थे कि पर्सन की कंसेंट लेना इम्पॉसिबल था, और इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, या फिर जो पर्सन है वो कंसेंट देने में इनकैपेबल है एंड हैज नो गार्जियन और अदर पर्सन इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम फ्रॉम होम इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट इन द टाइम फॉर द थिंग टू बी डन विद बेनिफिट, यानी कि अगर उस पर्सन को बेनिफिट दिया जा रहा है उस टाइम पर उसके गार्जियन भी अवेलेबल नहीं है, उसका जो लॉफुल चार्ज जिनके पास है वो पर्सन भी नहीं है जिनकी हम कंसेंट लेकर उसके बेनिफिट के लिए कोई एक्ट परफॉर्म कर सके, गुड फेथ में परफॉर्म कर सके, लेकिन हम कंसेंट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कंसेंट लेना एकदम इम्पॉसिबल हो गया है। तो यहाँ पर अगर बेनिफिट के लिए काम किया जा रहा है, गुड फेथ में किया जा रहा है, भले ही कंसेंट नहीं ली गई है, तो वहां पर सेक्शन 92 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। सेक्शन 92 में कुछ प्रोवाइजो प्रोवाइडेड है। पहला प्रोवाइजो कहता है कि ये जो एक्सेप्शन है ये वहां पर एक्सटेंड नहीं होगा, वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, यानी कि जानबूझकर डेथ कॉज की जा रही है या फिर डेथ कॉज करने की कोशिश की जा रही है। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि ये एक्सेप्शन वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर कोई पर्सन कुछ ऐसा करता है और जानता है कि उसके वो काम करने से डेथ कॉज हो सकती है, तो उसको इस एक्सेप्शन का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसका पर्पस क्या है, प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी, अगर उसका उद्देश्य डेथ को रोकना है, ग्रीवियस हर्ट को रोकना है और किसी ग्रीवियस डिसीज को, इन्फर्मिटी को क्योर करना है, तो वहां पर ये एक्सेप्शन एक्सटेंड होगा, अप्लाई होगा। थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि ये जो एक्सेप्शन है ये वहां पर एक्सटेंड नहीं होगा, वहां पर अप्लाई नहीं होगा जहां पर जानबूझकर स्वेच्छा से, इच्छा से, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ हर्ट, हर्ट कॉज किया जा रहा है स्वेच्छा से, और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट, हर्ट कॉज करने की कोशिश की गई है स्वेच्छा से, तो वहां पर ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पीछे अटेम्प्टिंग टू कॉज हर्ट और कॉजिंग ऑफ हर्ट, इसके पीछे अगर जो पर्पस है, उद्देश्य जो है वो है प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और हर्ट, हर्ट को रोकना और डेथ को प्रिवेंट करना, तो वहां पर ये एक्सेप्शन अप्लाई होगा। फोर्थ प्रोवाइजो कहता है कि ये जो एक्सेप्शन है ये वहां पर एक्सटेंड नहीं होगा जहां पर किसी भी ऑफेंस को अबेट किया जा रहा है, इंस्टिगेट किया जा रहा है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, जहां पर सेक्शन एक्सटेंड नहीं हो रहा है उन ऑफेंस को कमिट करने के लिए अगर इंस्टिगेट किया जा रहा है, तो वहां पर भी ये एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होगा, उस अबैटमेंट के लिए उस पर्सन को सजा दी जाएगी, वो ऑफेंस माना जाएगा, उसके ऊपर ही एक्सेप्शन एक्सटेंड नहीं होगा, उसको इस एक्सेप्शन का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। इस सेक्शन के कुछ इलस्ट्रेशन है। पहले इलस्ट्रेशन में क्या होता है, जो जेड है वो घोड़े के ऊपर से फेंक दिया जाता है और वो एकदम इंसेंसिबल हो जाता है, जब घोड़ा उसको अपने ऊपर से फेंक देता है तो वो एकदम इंसेंसिबल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, असंवेदनशील हो जाता है। अब जब ए जो कि एक सर्जन है उसको जब वो मिलता है
तो ए को ऐसा प्रतीत होता है कि जेड को रिक्वायर है ट्रीटमेंट, यानी कि जेड का ट्रीटमेंट करना एकदम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही जेड की जान बचाई जा सकती है। ट्रीटमेंट मतलब कि कपाल में छेद करना जरूरी है। अब यहाँ पर ए जेड की कंसेंट नहीं ले सकता है क्योंकि जेड एकदम इनसेंसिबल हो चुका है। तो यहाँ पर ए की जो इंटेंशन है वो डेथ कॉज करना नहीं है, लेकिन वो गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए परफॉर्म करता है ट्रीटमेंट बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ। क्योंकि यहाँ पर जेड के पास पावर नहीं है कि वो कंसेंट दे सके क्योंकि वो इनसेंसिबल हो चुका है, असंवेदनशील हो चुका है, मूर्छित पड़ा है। अब उसको जल्दी से जल्दी रिकवरी के लिए अगर डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि एक ही इंटेंशन यहाँ पर गुड फेथ में जेड का बेनिफिट करना है, जेड को डेथ से बचाना है। तो यहाँ पर ए ने जो कि सर्जन है कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है अगर उसने बिना जेड की परमिशन के विदाउट जेड्स कंसेंट अगर उसका ट्रीटमेंट किया है, तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। दूसरे इलस्ट्रेशन में क्या होता है, जो जेड है उसको एक टाइगर उठाकर लेके जा रहा होता है, ए टाइगर के ऊपर फायर करता है और वो जानता है कि जेड भी किल हो सकता है, यानी कि जेड को भी गोली लग सकती है, बट उसकी इंटेंशन जेड को किल करना नहीं है, गुड फेथ में वो जेड के बेनिफिट के लिए जेड को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर ए की जो बुलेट है वो जेड को लग जाती है और जेड मर जाता है, तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है क्योंकि गुड फेथ में उसका उद्देश्य, उसका पर्पस जेड का बेनिफिट था, जेड को बचाना था, टाइगर से प्रोटेक्ट करना था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, ए एक जो सर्जन है वो एक चाइल्ड को देखता है जो कि मतलब उसको एक चाइल्ड मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट से सफ़र कर रहा है, उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और अगर ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी डेथ हो सकती है, उसको इमिडिएटली ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, भले ही उसके पास उसके गार्जियन की कंसेंट नहीं है क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है कि उसके गार्जियन की कंसेंट ली जा सके, क्योंकि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ है, अगर ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो फिर बच्चा मर भी सकता है। तो यहाँ पर एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड फेथ में चाइल्ड को बचाने के लिए विदाउट हिज गार्जियंस कंसेंट ऑपरेशन परफॉर्म करे, और अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है चाइल्ड के बेनिफिट में, गुड फेथ में, तो यहाँ पर अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है विदाउट हिज गार्जियंस कंसेंट, यानी कि चाइल्ड के गार्जियन की कंसेंट के बिना अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है तो उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में क्या होता है, जो ए है वो एक घर में फंसा हुआ है जो कि जल रहा है, मतलब आग लगी हुई है घर में, और उसके साथ एक बच्चा है, और बाहर जो कुछ लोग हैं वो एक ब्लैंकेट होल्ड किए हुए हैं, और एक गुड फेथ में चाइल्ड को बचाने के लिए बिल्डिंग से ड्रॉप करता है, हाउस के टॉप से ड्रॉप करता है, और उसको पता है कि इस तरह से बच्चे को फेंकने से बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन उसकी इंटेंशन चाइल्ड को किल करना नहीं है, चाइल्ड को बचाना है, गुड फेथ में वो ऐसा कर रहा है चाइल्ड के बेनिफिट के लिए। अगर यहाँ पर चाइल्ड मर भी जाता है गिरने की वजह से तो ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है। इस सेक्शन में 92 में एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ पिक्यूनरी बेनिफिट के लिए कोई एक्ट कमिट किया जा रहा है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89 एंड 92, तो वो बेनिफिट ही नहीं माना जाएगा इन सेक्शंस के मीनिंग में, यानी कि केवल पिक्यूनरी बेनिफिट, इकोनॉमिकली बेनिफिट, आर्थिक लाभ के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो वो लाभ, वो बेनिफिट बेनिफिट ही नहीं माना जाएगा, इस चीज़ को इन सेक्शंस का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा कंसेंट एज अ गुड डिफेंस सेक्शन 87 से लेकर सेक्शन 92 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।